छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ तो साथी मर गए। राम सिंह। हाँ दादा। तुम जाओ हवेली के अंदर चले जाओ, हमारे छोटे भाई रघुवीर सिंह को बुला लाओ। बैठो दादा, अब है बुला ले। पंकज में ब्रात को करूं शेष जेस पर पद पंकज में ब्रात को करूं शिवा तो हमेशा तेरे साथ। रघुवीर और छोटे भाई खुश रहा और निश्चित निपार है। मनोकामना पूरी करे भैया। मैं आज आपसे कुछ प्रार्थना करना चाहता हूं। मुझसे? हाँ। का रघुवीर? जो हमने कभी नहीं देखा इन आंखों ने, तो आज देखकर मैं हैरान और तंग रह गया भैया। कहो। तब से दस्त बस्ता अरजे मेरी पिया मदिरा नहीं इतनी भैया करो, चंकि सब कुछ दिया तुमको भगवान। आखिर क्या कारण है, कौन सा रंज है आपके दिल में, मैं उस बात को जानना और पूछना चाहता हूँ। रघुवीर सिंह भैया, तुम मेरे दिल का दर्द समझना चाहता है? हाँ भैया। और जिस कम को बुलाने के लिए हमने शराब पिया है और शराब पीने के बाद दूना दर्द हमारे दिल में आ गया है। रघुवीर जाना चाहते हो तो हम जरा गौर करके सुनो, मुझे कौन सी चिंता हर वक्त सताया करती है भैया। रघुवीर
और यही चिंता दिन रात रहती है भाई। कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ और इसी गम में उन्होंने इस हवेली में पंखे से फांसी लगाकर आत्महत्या कर लिया। हमने तेरी शादी तय कर दिया, तेरी शादी कर दिया। आज पूरे 12 साल तेरी शादी किए हुए, लेकिन तेरी पत्नी शीला की कोख से कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ। छोड़े भाई, भैया यही चिंता मुझे दिन रात सताया करती है कि भगवान ने मुझे धन दौलत देने में कभी नहीं रखा। ये माधवपुर की इतनी बड़ी रियासत और ये जागीर हमारे ना रहने के बाद हमारी रियासत और जागीर का वारिस कौन बनेगा? हमारे ना रहने के बाद हमारी कब्र को कौन खोदेगा? यही चिंता दिन रात मुझे सताया करती है। लेकिन भैया जरा सोचो जो आप कह रहे हैं भैया, तो आपको ऐसा कहना नहीं चाहिए। इसमें सीरा बिचारी का क्या दोष है? भाग्य में मेरे औलाद अरे लिखी नहीं। इसमें सीला बिचारी तो निर्दोष है। शायद कुदरत के कारखाने में हमारे लिए कोई औलाद ही नहीं लिखी। इसमें सीला का क्या दोष? रघुवीर सिंह, आज के जमाने में तकदीर बनती नहीं, बनाई जाती है। तेरे समझ में मेरी बात नहीं आई तो फिर सुन, मैं बताता हूं। तो छोटे भाई ध्यान से सुनो बात को। ध्यान से सुनो बात को। जन्म की बात रही है सीला तेरी, उसकी कोख से बच्चा होवे नहीं। इसने दूसरी शादी अब बचाऊ तेरी। सिंह तेरी पत्नी सीला वो जन्म की पांच है, उसकी कोख से अब कोई बच्चा पैदा होने वाला नहीं है। इसलिए मैं चाहता हूं कि मैं तेरी दूसरी शादी कर दूं। भैया आप ये क्या कह रहे हैं भैया? लेकिन जरा सोचो, तब दूसरी शादी कर चाहे अरे चाहेंगे हम मेरी प्याही वसीला कहाँ जाए। Yeah.
आई हुई धर्मपत्नी इच्छा की दरबदर की ठोकरे खाएगी। राघवेर सिंह, मैं ये नहीं कहता कि तू अपनी बीवी शीला को छोड़ दे, नहीं, शीला का प्यार हमारे दिल में है, वो हमारी बहन और बेटी की तरह है। राघवेर सिंह, मैं नहीं ये नहीं कहता तू शीला को छोड़ दे, लेकिन सोचता हूं अगर तू दूसरी शादी नहीं करेगा तो इस जागीर का क्या होगा। तुम यहां से शीला के पास जाओ और उसे इजाजत लो, उसे समझाओ, सारी बातें बताओ कि हमारे ना रहने के बाद कि हमारी जागीर का वारिस कौन बनेगा, इसलिए तुम्हें दूसरी शादी करना होगा। क्या हमारे अरमानों पे पानी डाल दोगे रघुवीर? तेरी खुशियों को अपनी खुशियों को कुर्बान किया है, यदि मैं चाहता तो तेरी भाभी के मरने के बाद दूसरी शादी रचा लेता। हमने ऐसा नहीं किया भैया। मैं आपकी उदासी और खामोशी देख नहीं पाऊंगा, आपका दर्द सह नहीं पाऊंगा। एक चीज हमने शीला में देखी है।